हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का विद पूजा। आज मैं आप लोगों के साथ जामुन स्क्वैश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप स्टोर कर सकते हैं और आप तुरंत बनाने का तरीका भी मैं बताऊंगी कि इंस्टेंट आप कैसे बना सकते हैं इसे। आप चाहे इस तरह से शॉर्ट्स ग्लासेस में, यानी कि जामुन शॉर्ट्स के रूप में भी आप इसे कर सकते हैं और बड़े ग्लासेस में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। पीने में बहुत टेस्टी है, जो लोग डायबिटिक लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये देखिए, शॉर्ट्स में मैंने सर्व किया है और इसी तरह से लॉन्ग ग्लासेस में और इन सब में सर्व किया। इसके लिए हमने 250 ग्राम जामुन ले लिए हैं, आपके पास जैसे मिले आप, ये तुरंत पेड़ के टूटे हुए ताजे हैं। और इनका अब हम पल्प निकाल लेंगे अच्छे से और उनके बीज को हम रख देंगे लास्ट में। मैं आपको एक टिप भी दूंगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और एक लाइक, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये पल्प देखिए मैंने निकाल लिया है, इसको एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इसका एक सिंपली पेस्ट बना लेंगे। इनका हम पेस्ट बना लेंगे और जैसे ही पेस्ट रेडी हो जाएगा, आप चाहे तो इसमें तुरंत ही यहाँ पर इस समय चीनी नमक वगैरह सब डाल करके इंस्टेंट वाला बना सकते हैं, पर उसको आप रख नहीं सकते, हम स्टोर करने के लिए बना रहे हैं। तो ये अब देखिए रेडी है ये पल्प, हम एक पैन में इस पल्प को डाल देंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका, बिल्कुल ओरिजिनल कलर है इसका, कोई इसमें कलर अलग से ऐड नहीं किया है। थोड़ा सा पानी मैंने मिक्सर जार को हिला करके डाल दिया है, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पानी को। अब इसमें 100 ग्राम शुगर मैंने डाली है, और हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं तो ये वाली शुगर ना डाल के आप शुगर फ्री वाली जो शुगर आती है वो वाली आप इसमें डाल सकते हैं। अगर शुगर पेशेंट्स के लिए बनाए, मैं नॉर्मली पीने के लिए बना रही हूँ सभी के लिए। और इसमें साथ साथ मैंने एक चम्मच ब्लैक सॉल्ट डाला है, काला नमक, सादा नमक डालेंगे इसके साथ साथ, मिक्स करते जाएंगे, बॉयल आने देंगे इसमें, गैस मीडियम ही हमें रखनी है। अब इसमें नमक डाल देंगे एक चम्मच, और साथ में इसमें एक चम्मच ही मैं डालूंगी चाट मसाला और एक चम्मच ही डालूंगी मैं भुने जीरे का पाउडर, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी देखिए पक के काफी हद तक ही गाढ़ा हो रहा है, लेकिन हमें बीच बीच में चेक भी करते रहना है। अभी देखिए मैंने भुने जीरे का पाउडर और एक मैंने चाट मसाला डाला है, मिक्स करेंगे और अब इसे हाथ से टच करके देखेंगे। जब आपको ये स्टिकी लगने लगे, यानी कि चिपचिपा लगने लगे, जैसे चाशनी हो जाती है उस तरह से हाथ में चिपचिप होने लगे, तब समझिए कि ये रेडी है। अब ये स्टिकी नहीं है, थोड़ी देर से हम और पकने देंगे। पहचान यही है कि अच्छे से चिपचिपा हो जाना चाहिए, तभी आप इसको एक साल तक स्टोर कर सकते हैं स्क्वैश को। ये स्क्वैश रेडी हो जाता है इस तरीके से। अब इसमें 2 नींबू का रस मैंने डाला है, आप खट्टा अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मसाले भी आप इसमें बाद में ऐड कर सकते हैं जब आप इसको बनाएंगे उसके साथ साथ, अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये देखिए स्क्वैश बनकर बिल्कुल ठंडा हो गया है, बिल्कुल स्टिकी है इस समय। अब इसको हम अपने सर्व कर लेते हैं। अब इसके लिए मैंने पाउडर शुगर और नमक लिया है, इस पर हम अपने बाहर के ग्लास के किनारों को कोट कर देंगे। देखने में टेम्परिंग लगता है और एक थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर भी आता है जब हम पीते हैं, सिप करते हैं इसको। और इसी तरह से मैं शॉर्ट्स को भी, इसी तरह ग्लासेस को भी इसी तरह से रेडी कर लूंगी। अब ये इसको हम अपने बॉटल में भर लेंगे, ठंडा हो चुका है बिल्कुल पल्प इस समय। थोड़े से आइस क्यूब्स अब हमने ग्लास में डालेंगे, आप चाहे तो एक साथ बनाकर भी इसे सर्व कर सकते हैं और इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। और मैंने 3-4 चम्मच इसमें पल्प डाला है, जामुन का स्क्वैश डाला है, और उसके बाद आप इसमें चाहे तो सोडा वाटर या सिंपल वाटर, मैं इसमें सिंपल वाटर ही डाल रही हूँ, आप चाहे तो सोडा वाटर भी डाल सकते हैं। अगर आपको जामुन या काला सोडा खट्टा बनाना है इस तरह से, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका और ये पीने में बहुत अच्छा लगता है। इसको अब एक बार मिक्स कर देंगे ताकि जो नीचे जो पल्प है वो आराम से इसके साथ मिक्स हो जाए। अब मिक्स करते करते देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नीचे स्क्वैश है तो नीचे बैठ जाता है, पल्प थोड़ा सा भारी होता है। और रही बात टिप की, तो टिप ये है कि इसकी जो सीड्स निकलते हैं उसके सीड्स को आप आराम से, मतलब उसको धूप में सुखा करके रख लें और उसको जो बीज हैं उनको मिक्सी में डाल करके पीस लें, तो सुबह जब आप खाली पेट उसको पीते हैं तो वो आपके डायबिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा।
और इस तरह से बना करके आप इसको ग्लास जार में आप इसको सर्व करके आराम से रख सकते हैं 1 महीने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।